चलिए फिलहाल विधानसभा का रुख करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ वहां पर कह रहे हैं, आप भी सुनिए। इधर ही खुश चला। मैं राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी बामासाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरता ज्ञान विचार और दृष्टि के बिना फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए इस भूमि का हर नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवीर बनकर उभरे, यही हमारा प्रयास रहेगा और हम इसके लिए निरंतर क्रमशील रहेंगे। राजस्थान प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाने के लिए निजी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने के लिए नीति बनाई, निजी विश्वविद्यालयों को विधानसभा में अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में 54 विश्वविद्यालय संचालित है। इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए समय समय पर प्रवेश अध्यापन अनुसंधान प्रबंधन में रखने के लिए कृत संकल्पित है। हमारी सरकार के गठन के पश्चात निजी विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के प्रति संबंधित अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन के दौरान ओपीजीएस विश्वविद्यालय चोरू की अनेक डिग्रियां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आने पर एसओजी द्वारा जांच करवाएगी। एसओजी द्वारा जांच में कुटरचित तरीके से बिना प्रवेश बिना अध्ययन के डिग्रियां जारी करने के विभिन्न प्रकरण सामने आने पर विभाग द्वारा दिनांक 26/3/2024 को संभागीय आयुक्त सीकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21/6/2024 को विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही वर्ष 2021 व 22 से आज तक जारी की गई उपाधियों की जांच के लिए संभागीय आयुक्त सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 4/7/2024 को भी एक अन्य समिति का गठन किया गया है, जो इस समयावधि में जारी उपलब्धियों की वैधानिकता की जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार को समय समय पर निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले शिकायतों के संबंध में जांच करवाई जाती रही है। हमारी सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही, राफेल विश्वविद्यालय निमराना अलवर, निर्माण विश्वविद्यालय जयपुर, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़, सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरबड़ी, झुंझुनू के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिनियम की तत्संबंधित धाराओं के अंतर्गत संबंधित संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर जांच करवाई जा रही है। कमेटी में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। निजी उच्च शिक्षण संस्था में शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश शिक्षण परीक्षा पारदर्शिता गुणवत्ता एवं यूजीसी के नियमानुसार शोध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से हमारी विगत भाजपा सरकार समय से नियामकन प्राधिकरण विचाराधीन है। हमारी सरकार के ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। जब तक ध्येय नहीं होगा पूरा, तब तक पक्की गति नहीं रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल झुके बिना नहीं रहेगी दुनिया। अर्थात हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश की शिक्षा एवं परिवहन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। हम सब इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं मांग संख्या 22 उस शिक्षा के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनमें से नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए
35 नवीन कन्या महाविद्यालयों के लिए खोलने के लिए, 26 यूजी पीजी करने के लिए एवं नवीन विषय 44 आधारभूत एवं खेल सुविधाओं के संबंध में 43 एवं अन्य 41 है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 आधारभूत स्तंभों से निर्मित सतत विकास का एजेंडा है। प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से अधिक है, जहां प्रदेश का 28.6 है, जबकि यह राष्ट्रीय में 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन 2035 तक 50% करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र बहुविषयक शिक्षा, एकाधिक प्रवेश एवं निकास, सेमेस्टर सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा च्वाइस बेस क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था है। हमारी सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और उनके शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में सभी बाधाएं दूर करी जाए। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात शोध कौशल विकास आधारभूत संरचना को केंद्र में रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगी। हमारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ रोजगार के सुनहरे स्वप्न का साकार होते हुए देख सकें, इसके लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संख्या पर अपितु गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर विश्वास रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गुणवत्ता के मामले में हमारी सरकार किसी भी प्रकार